हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस टॉपिक बेटा। अब सेक्शन फॉर्मूले में बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन पे सपोज दो पॉइंट्स है ए बी। अब बेटा इसमें कोई एक ऐसा मेरे पास पॉइंट होगा जो इन बिटवीन ए एंड बी होगा, जो इन बिटवीन ए एंड बी होगा। सपोज दैट पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट डिवाइड्स ए बी इन सम रेशियो, किसी एक रेशियो में वो डिवाइड करता होगा। सपोज एम रेशियो एन, तो अगर मैंने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं, इस पॉइंट के जो है कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं, वो किसकी हेल्प से करेंगे? सेक्शन फॉर्मूले। जब भी रेशियो की बात आ गई ना, तो दैट मींस हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना ही करना। ओके, अब बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूले से होगा। कैसे? अगर इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो बेटा हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, सी हियर, m इनटू x2, मतलब उल्टा चलता है। ये रेशियो m रेशियो n है ना, तो ये m इसके साथ जाएगा ऐसे, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 ओवर m प्लस n। ओके बेटा, नेक्स्ट ऐसे ही y2 के साथ, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 ओवर m प्लस n। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। ये किसके कोऑर्डिनेट है? सी के। हाँ जी बेटा, हाँ जी, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप m1 m2 लिखो, आप यहां पी रेशियो क्यू लिखो, m रेशियो n लिखो। फॉर्मूले में जिस अकॉर्डिंगली लिख रही है उसके अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो। हाँ जी, हाँ जी, रेशियो, जब भी रेशियो की बात होगी ना, तो बेटा 100% चाहे बेटा बैठ जाओ प्लीज, दिख नहीं रहा, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। तो बेटा अपने आप मेरे पास जो है वो क्या बन जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप m1 m2 रेशियो लेके करो, आप कोई भी यहाँ जो लिखा है उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। आप कुछ सोचो, अगर यहां मैं m1 m2 लिख देती तो यहाँ क्लियर कट, यहाँ m1 आ जाता, यहाँ m2 आ जाता, क्या फर्क पड़ना है? हमने सिर्फ अंडरस्टैंड करना कॉन्सेप्ट को, क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आने हैं ना, बस ये चीज याद रखनी है, आंखें घुमानी है बस, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, बट फॉर्मूला भी बनाना आना चाहिए। रीजन, अगर यहां पर मैं कुछ और लिख देती पी क्यू, इफ आई राइट पी क्यू, तो आपको पता होना चाहिए पी क्यू से क्या फॉर्मूला बन जाएगा। मेरी बात समझ आई? ठीक है, इसी से अगर मैंने किसी पॉइंट को मिड पॉइंट शो करना है, तो उसका कैसे फॉर्मूला बन जाएगा? कोई पॉइंट मिड पॉइंट है, व्हाट डज इट मींस कि वो कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है? इक्वल रेशियो में। इक्वल रेशियो मतलब 1:1 में डिवाइड कर रहा है। जब वो 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो आपके पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा? यानी एम की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 1। जब ये 1:1 बन गई, तो अपने आप जहां जहां एम और एन है क्या पुट कर दो? 1:1। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम जनरेट कर रहे हैं। हाँ जी, तो मेरे पास अगर कोऑर्डिनेट x1 y1 है, x2 y2 है, तो मेरे पास मिड पॉइंट का क्या बन जाएगा? दैट इज मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, यहां लिख लीजिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, दैट इज यहां पर x2 + x1 / 2 बन जाएगा ना, 1 + 1 बनेगा कि नहीं? कॉमा, मेरे पास y1 + y2 / 2, चाहे आप यहां पर भी x1 + x2 लिख लो, डजेंट मैटर, प्लस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़े। बात सबको समझ आई मेरा बेटा? कोई डाउट तो नहीं यहां पर? चले आगे, मिड पॉइंट का पता चल गया, वेरी गुड। चलिए बेटा, नेक्स्ट मेरे पास जो है यहां पर
इसी को यूज करके अब बेटा हम अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे। कई बार हमारे पास रेशियो कैलकुलेट करने को आएगी, कई बार हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने को आएंगे, कई बार जिस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट। फॉर्मूला अल्टीमेटली यही यूज होना है, फॉर्मूला अल्टीमेटली यही यूज होना है। तो लेट अस डिस्कस क्वेश्चंस जो है तो आपको क्लियर हो जाएगा। हम सीधा एक्सरसाइज पे जा रहे हैं, एक्सरसाइज 7.2, सारे एग्जाम्पल उससे कवर हो जाएंगे। ओके बेटा, चलिए आई एम रबिंग द फॉर्मूलाज एंड लेट अस डिस्कस द एक्सरसाइज। हाँ जी बेटा, एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिटन हियर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट्स। मेरे पास पॉइंट्स बता दिए -1, 7 और नेक्स्ट 4, -3 इन द रेशियो 2:3। एक चीज याद रखना, ये जो रेशियो होती है ना विदाउट नेगेटिव, जो पॉजिटिव रेशियो होती है वो हमेशा इंटरनली डिवाइड करती है। अगर आपको लिखा है ना यहां क्लियर कट वर्ड जो है वैसे बताया होता है, बट आपके सिलेबस में इंटरनली का ही है। हम प्लस वन में एक्सटर्नली का बताते हैं, बट आपको एंड में बताऊंगी जरूर, ताकि हम एनटीएससी का भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा आपको पता चलता जाए, ठीक है ना, कि कैसे क्वेश्चंस का लेवल उठाया जाए। ये हमेशा इंटरनली डिवाइड करते जितने भी क्वेश्चन बुक में। ओके जी, अब क्लियर कट ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये m रेशियो n हो गया। मुझे कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो मैं सीधा देखो अप्लाई, मैंने कैसे सोचा हुआ है कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, 2 × 4 मेरे पास ऐसा ही है ना, 2 × 4 मेरे पास, फिर 3 × -1 ओवर रेशियो, मुझे पता है 5 है, 2 + 3 5। नेक्स्ट 2 × -3 कितना हो गया -6 प्लस 3 × 7 कितना हो गया 21/5। सॉल्व कर लीजिए, 8 − 3 8 − 3 5 5/5 1, ये कितना हुआ मेरे पास 15 15/5 3। वैसे तो एमसीक्यू में क्या स्मार्टनेस नोट करनी चाहिए, अगर आपने पहला कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लिया आपका 1 आया, अगर देखो 1 वाला एक ही है ना तो उसको टिक कर दो, बस काम खत्म करो। अगर 1x कोऑर्डिनेट आपका 1 आया, आपके पास ऑप्शन सिर्फ एक ही है 1 वाली, जिसमें x कोऑर्डिनेट 1 है, नो नीड टू कैलकुलेट द अदर। हाँ, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि 100% आंसर, हाँ अगर नन ऑप्शन वाला है तो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि माइट भी हमारे पास y कोऑर्डिनेट सेम ना, मतलब ये स्मार्टनेस आपने दिखानी है एमसीक्यूज में। मेरी बात समझ आ गई बेटा, क्लियर, चले आगे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब एमसीक्यूज में अभी पैटर्न सीबीएसई की तरफ से आएगा कि सारे 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, या बीच में 2 नंबर का कोई क्वेश्चन भी है या 3 का, तो वो जब सीबीएसई की तरफ से पैटर्न आएगा तो आपको उसके अकॉर्डिंगली प्रेपरेशन देंगे, ठीक है ना। अभी तो हम वैसे ही चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। वर्ड ट्राइसेक्शन को वर्ड अंडरलाइन कीजिए, बुक में बुक होनी चाहिए कल से। हाँ जी, व्हाट डज ट्राइसेक्शन मींस, ट्राइसेक्शन मींस 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, ट्राइसेक्शन मींस 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ऑब्वियस है 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आई नीड ओनली 2 पॉइंट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब उसने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4, -1 अब -2, -3। नॉर्मली ये 3 मार्क्स में आता था, क्योंकि जब तक बच्चा कैलकुलेट नहीं करेगा वो टिक नहीं कर सकता। तो इसमें मेरे पास कोई शॉर्ट ट्रिक्स हो ही नहीं, मुझे फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम सबसे पहले
अब देखिए, अगर मैं इस पॉइंट को भूल जाऊं, भूल जाइए ये, आई फॉरगेट इट। अगर आप रेशियो देखो, इधर दो पार्ट्स आ गए, इधर कितने पार्ट्स हैं? वन पार्ट। तो इसका मतलब अगर ये ट्राई सेक्शन वाला था तो इस पॉइंट की रेशियो कितनी होगी? 1:2, 2:2, not 3, क्योंकि दो पार्ट्स इधर हैं। अगर मैं इधर में हूं, दो पार्ट्स आ गए, वन पार्ट पीछे, तो मेरे पास 2:1 रेशियो पता चल गई। अब तो सेक्शन फॉर्मूला लग सकता है कि नहीं, अप्लाई करें। चलो करो सब अपनी अपनी कॉपी पे। अरे अब सी के कोऑर्डिनेट, अब मैं देखो बिल्कुल शॉर्टकट मेथड में कर रही हूं, 1 × -2 मेरे पास -2, 2 × 4, 8/3 ही आना है, कॉमा। ओके, सेक्शन फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। हाँ जी, 1 × -3 -3, आगे 2 × -2 -2/3। अगर ऐसे स्पीड से काम करोगे तो एमसीक्यूज जल्दी हो जाए। फॉर्मूला लिखने का टाइम नहीं है हमारे पास एमसीक्यूज में। ओके बेटा, नाउ इसको सॉल्व कर लो। 6/3, 2 − 5/3, ये लीजिए। सबको पता चल गया ना कैसे अप्लाई किया? फॉर्मूला दिखाने की जरूरत तो नहीं आपको, क्लियर? चलिए अब देखिए नेक्स्ट, मेरे पास जो है डी, अब मैं इस क्रॉस को भूल जाती हूँ, इसको क्रॉस कर देती क्योंकि डी के कोऑर्डिनेट लगाने, इसका कुछ लेना देना नहीं। हाँ जी, कैसे लिखेंगे, क्या आएगा डॉट बताइए? -1, क्यों? मैंने आपको कहा इसको इसके साथ लेके जाना है। 2 × -2 = -4, फिर 1 × 4, एक्स एक्स वाले देखनी है पहले, लेकिन रेशियो उल्टी, मतलब ये एक्स टू है तो इसके साथ पहले वाली रेशियो लगानी है। तो 1 × 4 + 4/3, कॉमा 2 × -3 - 6, 1 × -1 - 1/3। समझ आई मेरे बेटा सबको? चले आगे, तो मेरे पास क्या बना? 0, −7/3। ओके जी, दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। क्लियर हुआ कि नहीं? चले आगे, पक्का सबको सृष्टि? चले, हाँ जी नेक्स्ट बेटा। अब देखिए कि इन्होंने मुझे क्वेश्चन 3 में, ऐसे क्वेश्चन केस स्टडी में आ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन 3 में व्हाट दे हैव गिवन टू मी इन द क्वेश्चन 3, दैट इज टू कंडक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन आवर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। उन्होंने मुझे एक ग्राउंड दे दिया है ABCD, अगर आप स्क्रीन पे देखोगे, और सब बच्चों के पास बुक्स है, यू कैन सी इट ऑन योर बुक आल्सो। तो बेटा उन्होंने क्या दिया हुआ है, लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 100 फ्लावर पॉट्स जो हैव बीन प्लेस्ड इन ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। मेरे पास AD के अलाउंग ये ग्राउंड थी, AB मेरे पास, और यहां पर 1 मीटर पे 100 पॉट्स लगा दिए। ओके जी, उन्होंने पॉट्स अरेंज कर दिए। नाउ व्हाट इज रिटन हियर, मेरे पास एज शोन इन द फिगर, उन्होंने कहा निहारिका रन्स 1/4 The distance AB on the second line. अब second line मतलब ये first line, ये second line. यहां एक girl जो है move कर रही है, लेकिन उसने 1/4 distance cover किया जितना AD का। AD का distance कितना था?
100, क्योंकि 100 पॉट्स लगाए थे हमने, तो दैट मींस निहारिका ने जो है, निहारिका कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, ये एक्स एक्सिस माने, ये वाई एक्सिस माने, इधर उसने 2 और इधर उसने 1/4 of 100, कितना हो गया 25। दैट मींस निहारिका के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास 2.25 हो गए। नेक्स्ट उसने क्या दिया, एंड टॉस ए ग्रीन फ्लैग, यहां पर ग्रीन फ्लैग लगाया गया, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द एडी ऑन अ 8th राउंड। दैट मींस मेरे पास जो है नेक्स्ट पर्सन प्रीत का है, वो 8th लाइन में 1/5, इसके कोऑर्डिनेट देख लेते हैं 8.20, यही हुआ। और उसने एक फ्लैग लगाया जो कि रेड फ्लैग था, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। हां जी प्रेक्षित, अगर मैंने दोनों फ्लैग्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, जल्दी। हां जी, हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग्स, एक फ्लैग इधर है, एक फ्लैग इधर है, सपोज वेरी गुड वेरी गुड। हां जी रायना, हां जी मिड पॉइंट, आपने दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में, ये एक फ्लैग का कोऑर्डिनेट है, ये 2 सेकंड का, आपने डिस्टेंस निकालना है। हां जी डिस्टेंस फॉर्मूला, ये क्यों सोच रहे हो कि टीचर ने आज क्या करवाया मैं वही लगा दूं, सिंपल सी बात है, आपको एक निहारिका ने फ्लैग लगाया, एक प्रीत ने फ्लैग लगाया, और दोनों के बीच में क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस। और कल हमने परसों किया था क्या डिस्टेंस फॉर्मूला, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। हाँ जी, मैं निहारिका का फ्लैग का कलर कौन सा था, हाँ जी ग्रीन, और प्रीत का रेड, मैं इसको जी और इसको आर से रिप्रेजेंट कर देती, ठीक है जी। तो अब डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स प्लीज, दैट इज जी आर, और क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर, हाँ जी 8 - 2 = 6 स्क्वायर प्लस 20 - 25, 5 का स्क्वायर 25, 36 प्लस 25, हाँ जी क्या बन गया मेरे पास 61, अंडर रूट 61 यूनिट। ओके जी, नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है, उसने क्या कहा है, इफ रश्मि हैज टू होस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग बिटवीन द टू पॉइंट्स, यहां हाफ वे, हाफ वे का मतलब आधा, अगर आधा है तो आप मुझे बता सकते हो इसकी रेशियो बराबर होगी, अगर मिडवे है हाफ वे है तो दैट मीन्स जितना पार्ट इधर होगा उतना पार्ट इधर, यानी ये पॉइंट दोनों का क्या हो गया मिड पॉइंट। तो ब्लू फ्लैग के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम किसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, मिड पॉइंट के, तो यू जस्ट राइट, हम इसको जी और आर नाम दे दिया। नाउ बेटा वी कैन कैलकुलेट द ब्लू फ्लैग, हाँ जी जी के कोऑर्डिनेट थे 2.25 और आर के, ओके ये मैंने एक रफ सा ड्रॉ किया है, ओके एग्जैक्टली कोई ड्रॉ नहीं किया। अब बेटा तो हम करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग 2 + 8/2, 25 + 20/2, आप सेक्शन फॉर्मूला निकाल के भी लगा सकते हो, सेम ही आंसर आए, क्योंकि हाँ जी मिड पॉइंट x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये मैंने कहां से निकाला, निकाला तो सेक्शन फॉर्मूले से ही ड्राइव किया था ना, तर... तो
अगर रेशो वन है ये वाली एक्स के साथ, पहली वाली दूसरे एक्स के साथ, क्योंकि एम इंटू एक्स अक्षेप एंड, और इधर से ये जो रेशियो सेकंड होती है ये एक्स वन वाले के साथ, मतलब अगर आप इसको एम वन एम टू लेते हो, ये एक्स वन है ये एक्स टू है, तो एम वन एक्स टू के साथ आनी है, एम टू एक्स वन के साथ रेशियो उल्टी मल्टीप्लाई, तभी क्रॉस लगाती ऐसे करना, ठीक है बिल्कुल। फिर ऐसे ही एम वन वाई टू के साथ और एम टू वाई वन के साथ उल्टा क्रॉस लगता है, ठीक है। तभी मैं एरोस बार बार ऐसे डालती हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। चलिए ये तो मिड पॉइंट, 10/2 5 45/2 डिवाइड नहीं होता, ऐसे ही रहने दो। आप डेसिमल में करना चाहते हो यू कैन डू, ओके बेटा। सबको बात समझ आ गई, आप क्लास में हो, इफ यू आर नॉट एबल टू आस्क मी द क्वेश्चन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आप नहीं पूछोगे तो आपका नुकसान है, ओके। इज इट क्लियर टू यू, प्लीज आस्क मी एंड क्लियर योर डाउट। समझ आ गई बेटा सबको, चलिए बेटा नेक्स्ट मेरे पास हो गए उसके बाद। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेशियो। जब भी आपको रेशियो कैलकुलेट करने वाला आए, ऑलवेज लेट द रेशियो के रेशियो वन, उसको कभी एमएम से मत करो, उससे कैलकुलेशन बढ़ती है। क्या बढ़ती है? कैलकुलेशन। आ उससे भी जाएगा और के से भी आएगा, गलत कोई नहीं है, बट मैं बार बार कह रही हूं हमने अपनी कैलकुलेशन को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, तो उसके लिए हमें शॉर्टकट मेथड को अप्लाई जरूर करना, ठीक है बेटा। सेक्शन प्लीज ट्राई टू डू राइट, ठीक है, वो लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा, ओके। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट इज रिटन हियर, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड जो है 6, -8 डिवाइडेड बाय -1, 6। अब बेटा देखिए, हमें सबसे पहले रेशियो को क्या लेना है, के रेशियो वन। अब मैं क्यों ऐसा कर रही, मान लीजिए आपकी रेशियो का अगर मैं एम रेशियो एम लेके करती तो आपकी वैल्यू आंसर आता 2/3 एम ओवर एम का, आता ना, आप कहते 2:3 आता कि नहीं आता। मैं क्या कहती हूं, इस 3 को नीचे ले जाओ तो ये 2/3 1 होगी, आया कि नहीं, तो मैं इसको के मान लेती हूं, उससे मेरी कैलकुलेशन, क्योंकि एक ही वेरिएबल रह जाएगा जिसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी, तो दैट्स व्हाई मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ किससे करो, के रेशियो वन। जो भी के की वैल्यू आई, मान लो 2/3 आई, अपने आप वो आंसर क्या बन जाएगा, 2:3। बात समझ आई, क्योंकि दोनों रेशियोज बराबर है, दोनों में कोई फर्क नहीं। समझ आ गई बात बेटा। चलिए तो मेरे पास हो गए, यहां पर फॉर्मूला लगाऊंगी, कौन बताएगा अगर मैं फॉर्मूला लगाऊ, चल बेटा के इंटू, गलत बता रहे हो बेटा, के इंटू 6 1 × -1 ये -3। मैं बार बार कह रही हूं ये एम वन ये एम टू, ये एक्स वन है एक्स टू है, तुम इधर से एम वन ले रहे हो, मैं एरो करके दिखा भी रही हूं, के ने इन दोनों के साथ आना, वन ने इन दोनों के साथ आना, गलती होने के चांस ही नहीं है, कोई नहीं ना, तो करिए। चलिए बेटा, तो मेरे पास मार्क दिस ए बी सी, तो मैं सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल रही हूं, 6k - 3/k+1 नाउ -8k, हां जी, +10 k+1
ये कोऑर्डिनेट्स किसके इक्वल होने चाहिए थे? -1, 6 के होने चाहिए थे कि नहीं? होने चाहिए थे ना, क्योंकि दी हुई है रेशियो। यहां से इक्वेट करेंगे एक्स एक्स कोऑर्डिनेट, वाई वाई कोऑर्डिनेट। जब आप इक्वेट करोगे 6k-3 over k+1 -1 के 6k-3 -k -1, ये इधर आया 7k, उधर क्या आ गया 2, तो k इज इक्वल टू 2/7। तो देयरफॉर मेरे पास k ratio 1 2/7 ratio 1, तो दैट मींस 2 ratio 7। ये तो आपको करके बताया मैंने बेसिकली, है ना, अदरवाइज हम पेपर में तो सीधा ही आंसर। बट इन ऑर्डर टू वेरीफाई, आप सेकंड वाले के साथ कंपेयर करके देखिए क्या के की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, वहीं से के की वैल्यू नहीं। ये सी के कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए थे, है ना, यहां पर मेरे ये आए, मैंने दोनों को इक्वेट किया, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट को, आप वाई वाई कोऑर्डिनेट को भी इक्वेट कीजिए एंड गेट योर आंसर। चेक कीजिए कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेम आ रहा है, तो दैट मींस 100% करेक्ट है। हमें जो भी करें उसको वेरीफाई जरूर करें। ओके, सबको समझ आ गई ये बात, कोई डाउट तो नहीं? चले बेटा आगे, चलिए नेक्स्ट बेटा मेरे पास हो गए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बेटा। सेम क्वेश्चन है बट लास्ट में देखते हैं कि इसने क्या दिया हुआ है हमें। हाँ जी, इन द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अगेन ये राइट, दे राइट फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 1, -5, बी हाँ जी -4, -5 इज डिवाइडेड बाय जो है एक्स एक्सिस। प्लीज अंडरलाइन दिस वर्ड एक्स एक्सिस। उसने कहा कि रेशियो निकालो जो इन दोनों पॉइंट्स को एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट कट कर रहे। अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, सबसे पहले तो मुझे बताइए एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस उसके कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं? x, 0 हमेशा। तो आप क्या करोगे, x, 0 आपने सबसे पहले पॉइंट ले लिया और रेशियो k ratio 1 ले ली। अब हम क्या करेंगे, जब भी एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट आपने निकालना है, क्योंकि उसने कहा ये पॉइंट भी निकालना है रेशियो भी निकालनी है, तो अब बेटा जब मैंने पॉइंट निकालना है तो मेरे पास जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशियो कैलकुलेट निकाल। रेशियो करने के लिए क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे? हाँ जी रियान, डांट के बोलो, जल्दी बोलो। वेरी गुड, इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे k into -4 -4 के लिख दू बेटा। वेरी गुड, 1 हो गया और रेशियो का प्लस k+1। अगला बताओ रेयान, 1 into 5 नहीं, स्टार्ट कर ली, यस 5k हो गया। अगला दैट इज -5 over k+1। वेरी गुड, अब हां जी बेटा मैंने आपको अभी तो समझाया, अगर वो रेशियो 7:5 है, मैंने ये 5 को ऐसे ले आई तो ये रेशियो वो 1 के साथ कंपेयर नहीं होगी, यही तो समझाया। जब आपका आंसर अभी के का आंसर अगर 2/3 आएगा तो वहां से मैं क्या कहूंगी, रेशियो इज 2:3, क्योंकि मैं रेशियो को ऐसे इधर सेकंड कोऑर्डिनेट 1 हमेशा बना सकती, कोई भी रेशियो। अब बात क्लियर हुई, ठीक है बेटा। अब चलिए मेरे पास जो है यहां पर क्या आया,
ये कोऑर्डिनेट आया। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमने के की वैल्यू कैसे निकाले, क्योंकि यहां तो कोई कोऑर्डिनेट नहीं दिया, हमेशा जहां पर जीरो दिया हो, यहां पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो दिया ना, उससे कंपेयर करके आप के की वैल्यू निकाल लो। क्या कर लो, के की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। जब मैं वैल्यू कंपेयर करूंगी तो 5k-5 over k+1 दैट इज इक्वल टू जीरो, 5k-5 equal to 0, k की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। प्लीज पे अटेंशन हियर, अब k की वैल्यू यहां पुट करो, हाँ इसी में, जब आप k की वैल्यू पुट करोगे वो अपने आप क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, तो कोऑर्डिनेट भी आ गया। समझ आ गई बात दोनों में, क्लियर सबको? ओके बेटा।